आगे से आगे से टाइम पे और रुक क्या भाई बाइक नहीं होनी चाहिए मैं भी आप ऊपर जितना मैम लेफ्ट मैम ऊपर एक बार ऊपर लेफ्ट में ऊपर शूट करो मिलना नहीं मिलता पूरा नहीं मिल रहा हाँ ये शिफ्ट कर देना बीच में Hi everybody. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. ऑफकोर्स आज 15 अगस्त है आर इंडिपेंडेंस डे. 70 ईयर्स हो गए हैं हमारे इंडिपेंडेंस को. एंड आई बी वेरी हैप्पी दैट मामी इज डूइंग दिस वेरी वेरी स्पेशल स्क्रीनिंग फॉर अस. पहली बार इंग्लिश में फिल्म देखी जाएगी, देखी जा रही है. इनफैक्ट एज वी स्पीकिंग अंदर स्क्रीनिंग चल रही है. सो गुड रिस्पॉन्सेज या फिल्म जहाँ भी रिलीज़ हुई है फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इन यूके, इन फ्रांस, इन जर्मनी, इन ऑस्ट्रेलिया. ऑफकोर्स 18 अगस्त को फिल्म इंडिया में रिलीज़ हो रही है. 1 सितंबर को फिल्म अमेरिका में रिलीज़ हो रही है. सो या फिंगर्स क्रॉस्ड. बहुत डिफिकल्ट था पूरा जर्नी. थोड़ा बताना चाहेंगे किस तरह का एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो एरा जीना फिर से किस तरह का आपने नॉलेज मिली. वेल, मुश्किल तो नहीं था, मज़ेदार था. क्योंकि आई थिंक मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट खुद रह चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि अपनी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है. और फिल्म के माध्यम से आई थिंक हिस्ट्री अगर लोगों को बताई जाए तो ज़्यादा आसानी होती है. एंड ऑफकोर्स द फिल्म इज़ अबाउट दीज सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो कि कुछ साल पहले डिक्लासीफाई किए गए, जो कि नई रोशनी डालते हैं पार्टीशन के ऊपर कि एक्चुअल में पार्टीशन हुआ क्यों और एक्चुअल में ब्रिटिश का अल्टीरियर मोटिव क्या था पार्टीशन करने के लिए. आज भी सब कॉन्टिनेंट में हम पार्टीशन की वजह से प्रॉब्लम झेलते हैं. तो कहीं ना कहीं अगर स्पेशली विद द यंगर जनरेशन, यू नो, अगर आप अपने पास में जाएं और समझें कि एक्चुअली उसके रीजंस क्या थे, तो शायद यू नो इट विल हेल्प अस इन आवर फ्यूचर. ओके, परिणीति इज हियर, यू नो, अनुराग कश्यप, हाउ हैप्पी यू नो व्हेन द पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, द फ्रेंड ऑफ योर्स. नो, ऑफकोर्स आई एम वेरी हैप्पी. आज बहुत सारे लोगों को और भी आना था और 17 को भी एक स्क्रीनिंग है. लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स सब ने बोला है कि वो फिल्म देखना चाहते हैं. हबीब सर इज़ ऑल्सो हियर, अनुपमा चोपड़ा इज़ ऑल्सो हियर. सो आई थिंक दे ऑल आर वेल विशर्स एंड दे ऑल आई वॉन्ट टू सी द फिल्म. सो या आई एम वेरी हैप्पी दे ऑल आर हियर. अभी तो वो आएगी तो आप लोग पूछिएगा उससे. आई कैन स्पीक फॉर हर, बट इट्स वेरी स्वीट ऑफ हर टू कम. बहुत कमाल का था. कॉन्डे नास्ट ऑफ कोर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लग्जरी कवर्स. तो आई वॉज वेरी ऑनर्ड कि दे चोज मी टू बी ऑन दैट कवर एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल शूट. और मैं क्या बोलूँ, मतलब आई थिंक इट वॉज ह्यूज ऑनर रियली. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. Thank you. Just for one minute for this camera. Sorry.
I'm expecting a lot, especially from this film right now because it stars my sister. बहुत एक्साइटेड हूँ यार. मैंने देखी नहीं है, सबने देखी हुई है, मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स ने देखी है, मैंने नहीं देखी. सो आई थिंक Huma wants me to see it also. सो जब मैं फिल्म देख लूँगा फिर बाकी बातें बाद में कर लूँगा. ओके साकिब, ट्रेलर तो आपने यकीनन देखा होगा, ट्रेलर और टीजर तो देखा होगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक इट लुक्स वेरी गुड, लुक्स लाइक अ डिफरेंट टेक ऑन द पार्टीशन. और जरूर So yeah, I was saying it's a different take on the partition. So dekhte hain yaar, matlab I'm expecting a lot cause I've been a huge Gurinder Chadda fan also. She's made some beautiful films before. So looking forward to this interesting little take on partition. Okay, jis tarah ka look hai Huma ka, bahut achhi film hai, trailer teaser bahut promising lag raha hai, bahut positive vibe hai. लेकिन अगर Huma की बात करूँ और Huma जिस तरह का काम करती आई हैं, Huma जिस तरह का काम करती हैं गैंग्स ऑफ वसीपुर से लेकर अब तक की, और अब जो किरदार निभा रही हैं बहुत ही अलग मुख्तलिफ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है ना देयर आर पॉसिबिलिटी शी विल गेट टाइपकास्ट? एक काम होता है, यू गेट अ स्क्रिप्ट, आप एक आइडिया से रिलेट करते हो, कहानी आपको पसंद आती है एंड यू आप उसके साथ जुड़ जाते हो. एंड एज एन एक्टर जब भी कुछ काम करने की कोशिश करते हो आपकी अप्रोच यही होती है. So that you do something new every time. You try and surprise yourself also while performing. So I think Huma has that. So I don't think she fears or I fear or anybody fears she'll get typecast here. But typecast kya hota hai? Ek film lagti hai yaar. Do a good performance, people start thinking of you, seeing of you in a different light. So it's just one film. Okay, what happened your profession from your end? So I have a film coming out end of this year. It's a film that I've done with Pooja Films. It stars Tapsi and me. It's a love story. दिल्ली की पिक्चर है, मैं बड़ा खुश हूँ दिल्ली अल्लाह ने दिल्ली में शूटिंग की है. और दैट्स कमिंग आउट होपफुली इन नवंबर. वी स्टिल हैव टू फिनिश अ कपल ऑफ सॉन्ग्स, वो हो जाएगी शूटिंग खत्म होगी और पिक्चर आ जाएगी. ओके, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन योर कैरेक्टर. बस सब कुछ आज ये पार्टीशन का कैरेक्टर है.